सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दादा भाई टेक चैनल टेक की बात करो सर, मी पैड 5 की तरफ से मी पैड 5 कंफर्म होगा, उसमें मतलब आपको स्टाइलस वाला पेन देखने को मिल सकता है, साथ ही उसके डिजाइन बैक की तरफ देखने को मिले, ये भी लॉन्च होगा 10 अगस्त को। साथ ही मी मिक्स 4 भी आपको इन डिस्प्ले कैमरे के साथ देखने को मिल सकता है, 12 GB रैम, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, दोनों ही फोन आपको 10 अगस्त को चाइना में देखने को मिल सकता है, बेहतरीन प्राइस रेंज का बेहतरीन स्पेसिफिकेशन Xiaomi की तरफ से। इन्फिनिक्स तरफ से इन्फिनिक्स 0X है फोन है जो इंडिया में 20 साइड पड़ चुका है, इसको वो कंसोल के साथ इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल सकता है, 8 GB रैम देखने को मिल सकती है, साथ ही हेलियो G19 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, बेहतरीन प्राइस रेंज का आपको ये फोन बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। जैसे मुझे मोटो की तरफ से मोटो S4 मोटो एजेट लाइट, ये भी दोनों फोन आपको चाइना में लॉन्च होकर बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ, इसमें आपको जो मोटो एस एजेट लाइट है कुछ आपको 28,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, जो मोटो एस प्रो है कुछ वो भी आपको 28,000 के बीच, दोनों ही फोन मतलब कुछ 25-30 हज़ार के रेंज में देखने को मिलेंगे, ये भी इंडिया में जब लॉन्च होंगे इसी रेंज के देखने को मिल सकता है, कुछ ऑफिशियली न्यूज़ आई देखते क्या स्पेसिफिकेशन होगा क्या फिर नए नाम के साथ देखने को मिल सकता है, ये भी इंडिया में, ये भी जो दोनों फोन है जो अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकता है मोटो की तरफ से। रियलमी की तरफ से रियलमी जो रियलमी बुक है उसका भी लॉन्च डेट फिक्स हो गया, उसमें आपको i5 का जनरेशन देखने को मिल सकता है, i5 11 जनरेशन देखने को मिल सकता है, साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है उसमें 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, साथ ही आपको ये 18 अगस्त को लॉन्च होगा, जब रियलमी GT लॉन्च होगा उसी समय 18 अगस्त को लॉन्च होगा रियलमी, ऐसे कुछ ऑफिशियल न्यूज़ की तो। साथ ही एक और न्यूज़ आ रही है रियलमी जो 9 सीरीज है नंबर वाली सीरीज 9 सीरीज, उसकी भी कुछ गुड न्यूज़ आ रही है कि ऐसा कहा जाए कि बहुत जल्दी आपको फोन देखने को मिल सकते हैं वो भी 5G वेरिएंट के साथ। और बहुत जल्दी आपको इंडियन देखने को मिल जाएगा। छठे टूक में जारी हुआ क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ से, क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में भी इसमें बहुत जल्दी मतलब बहुत काम कर रही है, मतलब इससे क्या होगा कुछ नए टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें भी 8 करोड़ रुपया मतलब कुछ 8,000 करोड़ रुपया इंडिया ने इन्वेस्ट कर दिया, और बहुत जल्दी भी इंडिया में यूज करेंगे, जिसकी वजह से अपना इंडिया भी कुछ मतलब आगे निकल जाएंगे, इसकी वजह से देखते हैं कब तक अपने इंडिया में आता है और क्या क्या मतलब इसे वर्किंग किया जाएगा इसके बारे में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू।